हेलो एवरीवन, मैं यक्ष सेठ आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे, अगर आप आपका खुद का ब्लॉकचेन बनाने का प्लान कर रहे हो तो क्या चीजें एज अ नॉन टेक्निकल पर्सन आपको ध्यान रखनी चाहिए। देखो, ब्लॉकचेन की डिटेल टेक्निकलिटी में तो आप उतर नहीं पाओगे, जो डेवलप कर रहे हैं वही समझ पाएंगे, बट एज अ नॉन टेक पर्सन आपको क्या क्या चीजें समझनी चाहिए या क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए एज अ ओनर ऑफ द ब्लॉकचेन। हम सबको पता है बहुत सारी ब्लॉकचेन्स ऑलरेडी है, बट जो है वो कम है और बहुत सारी नई ब्लॉकचेन्स आ भी रही है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो ब्लॉकचेन बनाने का तो उसमें कोई गलत नहीं है। रिसेंटली आपने देखा होगा एप्टॉस लॉन्च हुआ, उसने बहुत अच्छे से मार्केट को आगे लेके गया। रिसेंटली कॉइनबेस ने अपना खुद का ब्लॉकचेन बेस नाम का लॉन्च किया। जो शिबा है वो अपना खुद का ब्लॉकचेन शिबेरियम लॉन्च कर रहा है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे इसका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, ब्लॉकचेन्स नए आने ही आने हैं। तो इस फ्लो में अगर आपका खुद का भी ब्लॉकचेन बनाने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो बहुत शॉर्ट में मैं कुछ चीजें बता दूंगा कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है बनवाने के टाइम पे। तो चलिए शुरू करते हैं, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। ब्लॉकचेन बनाने से पहले सबसे पहला स्टेप जो है, जो हमें डिसाइड करना है कि हमें लेयर वन ब्लॉकचेन में जाना है कि लेयर टू में जाना है। देखो, एक हो गया लेयर वन, एक हो गया लेयर टू। लेयर वन ब्लॉकचेन मतलब स्क्रैच में से ब्लॉकचेन, मतलब उसका स्क्रैच में से कोडिंग होता है, जो एक एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम है उसके अलावा आपको यूज करना होता है, वो लेयर वन हो गया। जैसे इथेरियम हो गया, जैसे सोलाना हो गया, ये सब है लेयर वन ब्लॉकचेन। लेयर टू मतलब जो ईवीएम बेस्ड है, इथेरियम वर्चुअल मशीन, ये याद रखना, इथेरियम वर्चुअल मशीन बेस्ड है, जैसे पॉलीगॉन, बीएससी। यस, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये स्क्रैच में से, बट बाइनेंस स्मार्ट चेन एक ईवीएम बेस्ड ब्लॉकचेन है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको लेयर वन ब्लॉकचेन बनाना है कि लेयर टू ब्लॉकचेन बनाना है। अगर लेयर वन ब्लॉकचेन बनाना है तो उसका कॉस्टिंग ज्यादा जाएगा और उसका इकोसिस्टम आपको स्क्रैच में से बनाना पड़ेगा, मतलब उसमें मेटामास्क ट्रस्ट वॉलेट सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको आपका वेब थ्री वॉलेट बनाना पड़ेगा और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको स्क्रैच में से करनी पड़ेगी। अगर लेयर टू में जा रहे हो तो कुछ बेनिफिट मिलता है, एक आप ईवीएम बेस्ड इकोसिस्टम यूज कर रहे हो तो उसका कॉस्ट कम आएगा, दूसरा जो ईवीएम की होल इकोसिस्टम है, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, बहुत सारे ऐसे वेब थ्री वॉलेट्स है, बहुत सारे डेक्स है जहां पे आप इजीली इंटीग्रेट कर पाओगे, तो ये बेनिफिट रहता है। बट जैसे मैंने बताया एप्टॉस आया था वो लेयर वन था, ठीक है, अभी जो पॉलीगॉन बीएससी चल रहा है वो लेयर टू है। तो वो आपकी चॉइस है कि आपको किस तरह का ब्लॉकचेन बनाना है और उसका पर्पस क्या है। तो सबसे पहली चीज हम ध्यान में रखेंगे कि हमें लेयर वन ब्लॉकचेन में जाना है या लेयर टू ब्लॉकचेन में जाना है। अब दूसरी चीज, एज अ नॉन टेक पर्सन अगर आप ब्लॉकचेन बनाने का ऑर्डर दे रहे हो, मानो कि आपने हमें एक ऑर्डर दे दिया कि सर हमें हमारा एक ब्लॉकचेन बनाना है, तो वो ब्लॉकचेन बनाने के टाइम पे क्या क्या डिलीवरेबल्स होने चाहिए, वो डिलीवरेबल्स पे देख लेते हैं कि क्या क्या डिलीवरेबल्स होंगे ब्लॉकचेन के। हम जब ब्लॉकचेन डेवलप करवाने किसी कंपनी के पास जाते हैं, मानो कि आप हमारे पास आए कि सर हमें ब्लॉकचेन बनाना है, तो आपको क्लैरिटी आनी चाहिए कि हमें ब्लॉकचेन बनाने के दौरान क्या मिलने वाला है। एक ब्लॉकचेन खुद डेवलप होने वाला है जो सबसे बड़ी चीज है, बट आंखों को कौन सी चीजें दिखेगी, तो आप ये छह चीजों पर फोकस कर सकते हो। एक हो गया टेस्टनेट, टेस्टनेट का एक पूरा सेटअप आ जाना चाहिए और टेस्टनेट का वेबसाइट आ जाना चाहिए। टेस्टनेट वो होता है कि आपके ब्लॉकचेन पे डेवलपर्स को कुछ डेवलप करना है, डेवलप करने के टाइम पे पहले टेस्ट करना है, तो वो टेस्टनेट पूरा सेटअप होता है और उस पर डेवलपर्स चीजें पहले टेस्ट करते हैं, फिर मेननेट पे आते हैं। तो मेननेट भी सेम, मेननेट का आपको सेटअप मिलना चाहिए और मेननेट का वेबसाइट मिलना चाहिए, ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, बट इसमें पूरा टेस्टिंग रिलेटेड चीजें रहेगी, इसमें जो कॉइन्स होंगे वो भी टेस्टिंग के होंगे,
ये आपके एक्चुअल कॉइन्स होंगे जो मेन नेट में मिलेंगे वो। फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन, ये एक डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, डॉक्यूमेंटेशन की एक वेबसाइट बनती है कि नेटवर्क कैसे ऐड करना है, अगर लेयर वन है तो पूरा उसका वॉलेट कैसे ऑपरेट करना है, ए टू जेड चीजें ये डॉक्यूमेंटेशन में कवर होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो सब देखते हैं। एक्सप्लोरर मतलब आपने देखा होगा bscscan.com, etherscan.com, तो उस तरह का आपका खुद का ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर, ये उसमें पूरा ब्लॉक्स की डिटेल आ जाती है, ट्रांजैक्शंस आ जाते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स देख सकते हो आप। फिर आपके ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन है उसका पूरा सप्लाई का कंट्रोल आपको लेना है। तो ये वन ऑफ द डिलीवरेबल्स है। इसमें अगर आपने मिंटिंग फैसिलिटी करी है और मिंट के साथ होते हैं तो आप एक बार टेस्ट नेट पे टेस्ट करके देख लो, तो इसकी डिलीवरी आपको डिलीवरेबल्स में नहीं मिलेगी, और आपका सप्लाई फिक्स है तो आपको डिलीवरेबल्स में नेटिव कॉइन्स की डिलीवरी मिल जाएगी। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो हम सजेस्ट करते हैं, हमारे जो दो तीन क्लाइंट्स ने मना किया हमें नहीं चाहिए, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ने इसको लिया है। रैप टोकन्स मतलब आपके ब्लॉकचेन को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपके ब्लॉकचेन पे रैप किए हुए BTC, आपके ब्लॉकचेन पे रैप किए हुए इथेरियम, जो पॉपुलर कॉइन्स है उसको रैप टोकन्स अपन यहाँ पे ऐड करते हैं। इससे क्या होता है कि लोगों को लगता है कि ब्लॉकचेन पे ये पॉपुलर कॉइन्स भी है। तो मेनली ये 6 चीज़ें आपको कोई भी ब्लॉकचेन डेवलपमेंट करने के टाइम पे मिलनी चाहिए। तो आप अगर मेरी टीम से बात कर रहे हो या आप कोई थर्ड कंपनी से बात कर रहे हो तो ये चीज़ें ध्यान से पूछना हर एक चीज़ें। नोड गाइडलाइंस, जो नोड सेटअप करने हैं उसकी गाइडलाइन, मतलब मोस्टली अभी कोई भी नया ब्लॉकचेन बनेगा तो प्रूफ ऑफ स्टेक पे ही बनेगा, प्रूफ ऑफ वर्क पे वैसे भी कोई इलेक्ट्रिसिटी लगा के ऐसे अभी माइनिंग करने नहीं वाला, या हम सजेस्ट भी नहीं करते कि करना चाहिए। तो एज अ कंपनी आपको नोड गाइडलाइन करना आना चाहिए, वो नोड सेटअप करके नोड्स की गाइडलाइंस कंपनी को आपको देनी होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के टाइम पे डिलीवरेबल्स में आपको मिलनी चाहिए। तो अगर आप ब्लॉकचेन बनाने का सोच रहे हो तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो या किसी भी कंपनी के पास जा सकते हो। ब्लॉकचेन फ्यूचर है, बहुत अच्छे से आप प्लान करिए इसको कैसे मार्केट में ले जाना है, इसको कैसे टेस्ट नेट को लॉन्च करना है, कैसे मेन नेट को लॉन्च करना है, फिर उसको कैसे एक्सचेंजेस तक ले जाना है, वो ए टू जेड चीज़ों में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। ब्लॉकचेन बनाने में कितना कॉस्ट लगता है और उसका रिकरिंग कॉस्ट कितना आता है, अगर वो आप जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए प्लीज़ मेड अ वीडियो ऑन कॉस्ट, तो मैं आपके कमेंट के हिसाब से उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना लूँगा कि भाई ब्लॉकचेन पे कॉस्टिंग लगता कितना है। बाकी ये वीडियो आपने पूरा देखा है तो आपको बिल्कुल कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, ये वीडियो लाइक कर लो, और जिनको भी ये हेल्पफुल हो पाए उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।